एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। दिवाली आने ही वाली है तो इस टाइम पर सभी के घर में साफ सफाई और शॉपिंग का काम चल रहा होगा, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जब हम अपने पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, नई नई चीज़ों की शॉपिंग करते हैं। घर के एक एक कोने को सजाने के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते हैं। तो आज मैंने भी कुछ शॉपिंग की है। कल आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था मैंने, कहाँ से मैंने शॉपिंग की है, तो वो तो मैंने आपको शेयर कर दिया था, लेकिन क्या क्या शॉपिंग की है वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो क्या क्या सामान लिया है, वैसे मैंने काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर लिया है सामान, क्योंकि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर ली जाती है, क्योंकि जो स्ट्रीट शॉपिंग वाले होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ मैं, लेकिन हाँ 5-10 रुपये तो कम करना बनता ही है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या शॉपिंग की है, वो भी शेयर करती हूँ आपके साथ में, और उसके बाद में किस किस प्राइस पे मैंने लिया है वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही प्यारी चीज़ है ये, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। ये मैंने लिया है एक तुलसी कोटा का पॉट, तो इसका साइज़ है मेरे ख्याल से 15 इंच का है साइज़, मुझे पता नहीं इसका साइज़ क्या है, और ये काफ़ी भारी है, और मैं आपको दिखा रही हूँ पकड़ करके। ये देखिए, यहाँ पर ये दिया रखने का है, ये दिया बना हुआ है, इसके अंदर हम दिया जला सकते हैं, पर फिलहाल मैं इसके अंदर नहीं जलाऊंगी, क्योंकि फिर ये पॉट गर्म हो जाएगा और पता नहीं अगर ये खराब हो गया तो मैं इसके साथ में रिस्क नहीं लेना चाहती। ये देखिए, और इसमें एक तरफ ये दिए का है, दिया रहता है, एक तरफ ये तुलसी माता के पैर हैं, और ये काफ़ी हैवी है, मुझे पकड़ने में दिक्कत हो रही है। एक तरफ ये सन बना है और एक तरफ ये गणपति जी का वो है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर होल भी दिया रहता है, और काफ़ी भारी भी है, काफ़ी मजबूत भी है, और इसका प्राइस उन्होंने मुझे बताया था 180, लेकिन उन्होंने मुझे 150 का इसका प्राइस दिया, उन्होंने 180 खुद ही बोल करके, उन्होंने 160 कहा, मैंने 150 कहा, तो उन्होंने 150 में मुझे ये दे दिया। उसके बाद में अगली जो शॉपिंग की है वो मैंने की है ये एक लोटस फ्लावर। ये लोटस फ्लावर आपको हर जगह मिल जाते हैं, तो मुझे ये काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, लेकिन ये बड़े साइज़ का है, मुझे छोटा वाला साइज़ चाहिए था, तो ये बड़े साइज़ का उन्होंने दिया है मुझे 100 रुपीज़ में। तो ये येलो कलर का लिया है, मेरे पास रेड भी था और पिंक भी था, तो मैंने येलो वाला ले लिया है। इसके पीछे इस टाइप से दिया हुआ है, ये आई थिंक रबर कुछ इस टाइप का मटेरियल होता है, ये आपने देखा ही होगा ऑनलाइन वगैरह पर भी, ये सेम ही प्राइस है, लेकिन क्या होता है ना, छोटे वेंडर से अगर आप लेते हो तो आप उनकी कुछ हेल्प करते हो, क्योंकि हम ऑनलाइन पर डिलीवरी चार्जेस भी पे करते हैं और उसके बाद में चीज़ भी हमें सेम ही प्राइस पे मिलती है, तो मैंने ये इसीलिए यहाँ से लिया। तो कुछ शॉपिंग मैंने यहाँ से भी की, मुझे काफ़ी पसंद आई। और एक चीज़ ये और दिखाती हूँ, ये है एक मिट्टी की उरली, यानी कि टेराकोटा की उरली है, और इसके ऊपर इस टाइप से ये देखिए आप, ये देख रहे हैं ये डिज़ाइन बना हुआ है, और काफ़ी कलरफुल सी है, काफ़ी सारे कलर्स में थी, आपने देखा भी होगा, ये ब्लैक कलर में भी थी, यानी कि ये वाला जो कलर है ना मैट वाला, तो ये ब्राउनिश कलर, तो इस कलर में भी थी ये, और मुझे ये कलरफुल वाली पसंद आई। और खाली जैसे इसमें हो रखे ना ग्रीन कलर और ये येलो और रेड, तो कुछ ग्रीन में भी थी, कुछ सारी जो थी वो येलो कलर में कुछ थी, कुछ रेड में थी, मुझे ये मल्टी कलर वाली पसंद आई, और ये उन्होंने मुझे 150 की बोली थी और 150 में ही दी, इसका कोई उन्होंने प्राइस कम नहीं किया। तो तीन चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की ये वाली, और चौथी जो चीज़ है वो मैंने ली है अन्वेशा के लिए, क्योंकि अन्वेशा ने मुझे बोला था कुछ शॉपिंग करने के लिए, और स्पेशली उसी के लिए मैंने लिया है। तो ये है एक मनी बैंक, आप देख सकते हैं, ये मिट्टी के होते हैं ना गुल्लक, पहले हमारे बचपन में होते थे इस टाइप के, और ये इस साइज का है, आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, और इस टाइप का है इसके ऊपर प्रिंट, और बहुत ही प्यारा प्रिंट है, और शाइनिंग कर रहा है ना, तो ये अच्छा लग रहा है, और बहुत ही सस्ता भी है, ये 30 रुपीज का दिया है। तो हम प्लास्टिक के रखते हैं, आयरन के रखते हैं, मुझे तो ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये 30 रुपीज का मैंने लिया है एक गुल्लक, इसको बोला जाता है हिंदी में ना,
मनी बैंक लिया है ये मैंने, और इसके बाद में अगली जो शॉपिंग मैंने की थी वो आपको पता ही है, आप में से काफी सारे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आपने ये पॉट कहाँ से लिए, वो पॉट कहाँ से लिए, तो मैं आपको दिखाऊं। मैंने ये एक पॉट लिया है, ये हैंगिंग बास्केट प्लास्टिक की है, ये मैंने एक ही ली है, इसमें होल नहीं है, और जब भी इसके अंदर हम प्लांट लगाते हैं तो मैं जब भी इसके अंदर प्लांट लगाती हूँ मैं क्या करती हूँ, गरम स्क्यूअर से इसके अंदर होल कर देती हूँ। कोई भी स्वेटर बनने की सिलाई है या बारबेक्यू स्क्यूअर है आपके पास, तो उसमें आपने क्या करना है कि उसको गैस के ऊपर गर्म करें और उसके बाद में इसके अंदर होल कर दें, तो उसके बाद ही आप इसमें प्लांट लगाएं, तो आपके प्लांट जो है कभी खराब नहीं होंगे। तो मेरे पास पहले भी थे और अभी मैंने सिर्फ एक ही लिया है, क्योंकि अभी विंटर के फ्लावर जो है वो देख करके लूंगी कि कितने फ्लावर्स लाने हैं मुझे और कौन से, तो उसके बाद में कलर से मैच करते हुए खरीदूंगी। तो वैसे ऑनलाइन पर ये 150 रुपीस का है, और जब मैंने स्टार्टिंग में खरीदे थे तब आपको क्या, ये मैंने लिया था 120 रुपीस में, कहीं कहीं 90 रुपीस में लिया था, और अभी मुझे मिला है ये 60 रुपीस में, और सेम क्वालिटी है। ये फर्स्ट क्वालिटी का लेना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करना चाहिए प्लांटर्स के लिए, अगर आप प्लास्टिक के गमले में पौधे लगा रहे हैं तो। तो ये मुझे काफी अफोर्डेबल भी लगा और सुंदर भी है, लगी हुई हैंगिंग बास्केट अच्छी लगती है। उसके बाद में जो अगली शॉपिंग की वो मैंने की है अपने पौधों के लिए, तो उनके लिए भी उनकी हेल्थ का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो जैसे कि वहां पर सेल हो रही थी आपने देखा ही होगा, मैंने लिया है एक ये कंपोस्ट खाद, ये है ग्रीन सिटी कंपोस्ट जैविक खाद, ग्रीन सिटी कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैन्यूअर। तो ये आप फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स में डाल सकते हैं, किचन गार्डनिंग में और हॉर्टिकल्चर में, वेजिटेबल प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स में, मतलब कि किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं। और इसका प्राइस उन्होंने मुझे दिया है ये 40 रुपीज में ही दिया है, और इसमें इन्होंने कोई भी डिस्काउंट नहीं किया है, और ये यहीं की लोकल कंपनी का ही है, लोकल मार्केट में ही मिलता है, ये चंडीगढ़ में ही बना हुआ है तो इसीलिए। और इसका जो वेट है ये है 1.72 किलोग्राम, यानी कि 2.25 किलो के लगभग है, हाँ इतना ही है, तो 1.72 ग्राम, और दूसरी जगह लिखा है 1.7 ग्राम, 70 ग्राम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 40 रुपीस में उन्होंने मुझे दिया है। इसके बाद में जो अगली शॉपिंग की है वो है बहुत ही क्यूट शॉपिंग, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, वो है ये इस टाइप का स्टूल है, आप देख सकते हैं ये टेराकोटा का स्टूल है, और मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा, और इसमें ये घुंघरू भी दिए हुए हैं, तो ये देखने में काफी अच्छे लग रहे, आप देख सकते हैं इसमें घुंघरू लगे हैं, और यहाँ पे स्टैंड सा दिया हुआ है, और ये पीछे से इस टाइप से दिखता है, आगे से इसमें कलर किया हुआ है। तो ये भी उन्होंने मुझे 150 रुपीस का दिया, और इसमें भी उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो एक मैंने ये खरीदा है, इसके ऊपर आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसको इंडोर भी रख सकते हैं आप, इंडोर इसके ऊपर छोटे से आपके प्लांटर वगैरह हो, इंडोर वाले प्लांटर, तो उसके ऊपर रख सकते हैं। अगर आपने बैल्कनी में रखा है तो आप ये तुलसी कोटा जो मैंने खरीदा है, तुलसी कोटा भी रख सकते हैं, या फिर कुछ भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर मिल रहे थे आपको पता ही होगा, लेकिन काफी थोड़े से कॉस्टली लगे मुझे, 400-600 मैंने आपको एक दिखाया भी था, उन्होंने अपने हाथ में लिया था, तो इस वजह से मेरा इतना बजट नहीं था अभी, तो मैंने ये नहीं लिए, जो डेकोरेटिव जो थे स्ट्रक्चर टाइप के, तो वो मैंने इसीलिए नहीं लिए। अच्छा, इसके बाद में जो मैंने अगली शॉपिंग की है वो आपको, और अगली शॉपिंग है मेरी ये है अपने क्ले पॉट, यानी कि टेराकोटा के पॉट, और इसके अंदर गमले में पौधे लगाने बहुत अच्छे रहते हैं, और इनमें सब में होल भी किया है, और आप देख सकते हैं ये मैंने 4 लिए हैं, और ये है 12 इंच का पॉट, आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे से छोटा है और ऊपर से चौड़ा साइड में है, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अपने आगे के जो भी प्लांट्स लगाऊं वो क्ले पॉट में ही लगाऊं, और ये सस्ते भी काफ़ी हैं, और ये मुझे पड़ा है एक पॉट जो है वो 40 रुपीस का है, तो मैंने 4 लिए हैं,
तो ये मुझे पड़े हैं 160 रुपीज़ के 4 पॉट, और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मजबूत भी हैं और इसमें पौधे बहुत अच्छे से सांस ले पाते हैं। वहाँ से ये 2 फ्लावर वाले प्लांट, क्योंकि अब सर्दी आ गई है और इस टाइम पर मैरीगोल्ड का सीज़न भी है, तो मैंने यहाँ से 2 पौधे भी लिए थे, और उसमें एक ये येल्लो वाला है और एक ऑरेंज वाला है, तो दोनों अलग अलग किस्म के लिए हैं। और ये थोड़ा बड़ा वाला गेंदा है और इसका प्राइस था, वैसे तो उन्होंने 50 रुपीज़ एक पौधे का बताया था, बट मैंने पौधों में थोड़ी सी बार्गेन की तो 70 रुपीज़ के उन्होंने 2 दिए। वैसे 100 रुपीज़ के बनते थे तो 70 रुपीज़ के 2 लिए हैं मैंने। यही थी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने की और आपके साथ में शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले विद बेल बटन इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। और जल्दी मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।